जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह 5 बजे हमने नहा भी लिया, माँ भगवती की पूजा भी हो गई, सुंदरकांड का पाठ भी हो गया, बच्चों को भी जगा दिए, इन लोगों को गर्म पानी भी दे दिए। और ये कपड़े ना हमने रात में ही सर्फ में भिगो दिया था, तो जिस समय हम नहाए उसी समय हमने धुल लिया है हाथ से ही, क्योंकि अगर जल्दी हो ना तो कपड़ों को रात में ही सर्फ में डाल दो तो आराम से अपने कपड़े भी साफ हो जाते हैं और जल्दी अपने काम भी हो जाते हैं। और जब तो हम गए थे 4 ही बजे, 4 बजे से हमारे अपने काम शुरू हो गए थे। कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप इतने काम कैसे कर लेते हो, तो सच तो ये है कि हमको अपना काम करना अच्छा लगता है। आज तक हमने कोई बाई नहीं रखा है, अगर हम रख भी लेते हैं ना तो किसी का काम हमको पसंद नहीं आता है, इसीलिए हम अपना काम खुद करते हैं। तो कपड़े डाल करके आ गए और कुछ कम्बल वगैरह भी यहाँ हम धूप में रख देते हैं। और इसके बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने आटा भी गूंद करके रखा है, और ये कचौड़ी का आटा हमने क्या डाल करके गूंदा है तो बता रहे हैं। आटा में हमने कड़ुआ तेल भी डाल दिया था, अजवाइन भी डाल दिए थे, सफ़ेद नमक भी डाले थे, काला नमक भी डाले थे। इसके बाद जो बॉयल किया हुआ भथुआ था उसको भी डाल दिए थे, और हमने आटा को गूंद करके रख दिया था। तो बच्चों की स्कूल में है पेरेंट्स मीटिंग, और वैसे भी आज हम बहुत ही लेट हैं, तो जल्दी लोगों के लिए ना पहले बना देते हैं कचौड़ी। नहीं, जैसे ना स्कूल से निकलेंगे ना वैसे कहेंगे माँ भूख लगी है कुछ ना कुछ खिला दो। और बच्चों में होता है ना, दूध बिस्किट वगैरह ले लिए हैं, लेकिन जब तक मजबूत नाश्ता नहीं लोगों को करा दो तब तक सही नहीं रहता, जल्दी बनाने के बाद चलते हैं। और अभी ना पिन अच्छे से हमको लगाना है साड़ी में, थोड़ी सी ना साड़ी भारी है, भारी क्या है, जो पहले की टेलिंग सिल्क थी ना वही साड़ी है। और ये साड़ी ना हमारी भाभी जी ने दिया था, यानी ज्योति प्रीति की मम्मी ने, और हमको ना वाली साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने सोचा सैटरडे का दिन है और व्हाइट और ब्लैक है तो इसी को पहन लेते हैं। भथुआ की कचौड़ी आप चाय के साथ भी खा सकते हो, और ये ठंडियों में अधिकतर बनाना चाहिए, क्योंकि ठंडी में ना अगर आप बच्चों को खिला रहे खुद खा रहे हो तो कभी जल्दी ठंडी नहीं लगेगी। इसीलिए डेली हम अरहर की दाल जब बनाते हैं ना तो भथुआ काट करके और दाल फ्राई करते हैं, क्योंकि इनको वो वाली दाल ना बहुत ही पसंद है। तो जल्दी हम बना लेते हैं कचौड़ी, इसके बाद बच्चों को ना ज़बरदस्ती ही खिला करके ले जाएंगे, बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं। सो गाइज, हम लोग निकल लिए हैं और ये कहीं चले गए थे ऑफिस, तो हम लोग सोच रहे थे कैसे जाएं, फिर हम लोग थोड़ी दूर पैदल ही निकल लिए। इसके बाद ई रिक्शा हमको मिल गया था, और ये बंगला बाजार में ना महोत्सव वाला ही गेट है, देखिए कितनी भीड़ है, ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग नहीं महोत्सव आएंगे, हम लोग ना लास्ट में ही आएंगे। हम लोग बच्चों के क्लास में आ गए, और सुबह अगर जल्दी आ जाओ ना तो भीड़ बिल्कुल नहीं रहती है, तो तीनों के क्लासों में अलग अलग जाना पड़ता है। और टाइम ना 9:30 बज रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि 11 बजे तक ही लास्ट है मीटिंग, तो हम जल्दी यहाँ मीटिंग करने के बाद निकल रहे हैं। और बाहर आप लोगों को स्कूल का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, यानी काफ़ी बड़ा स्कूल है, यहाँ फील्ड वगैरह खेलने की बहुत अच्छी जगह है। तीनों के क्लासों में हम लोगों ने मीटिंग कर लिया, और ये लोग ना घर से ही कहेंगे कि माँ प्लीज़ हमारे लिए कुछ बताइएगा नहीं, तो हम कहते घर में तो सभी बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते ही हैं, ये शरारत क्या बताना है, लेकिन स्कूल में सही है पढ़ने में, घर में ही हम लोगों को है थोड़ी बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो हम लोग आ गए हैं बाहर, थोड़ी धूप भी ले लेते हैं और स्कूल का पूरा नज़ारा भी देख लेते हैं। स्कूल से हम लोग आ गए और टाइम 12:30 बज रहे हैं, अब चल रहे हैं छत में, खाते हैं अमरूद और छीनते हैं मटर, गाजर भी हमने रख लिया है, और ये सब चीज़ें ना धूप में ही अच्छी लगती हैं खाने में, और आज की धूप ना बहुत ही अच्छी निकली है। आ जा गोविंद, पहले अमरूद खाते हैं फिर अभी और कचौड़ी बनाते हैं, आ जा बेटू। तूने सुबह कचौड़ी नहीं खाया था ना, लेता तो बैठ के खा लेता धूप में आराम से, नहीं अमरूद ही खाएगा, चलो बैठो, आओ कृष्णा बाहर। का किया? बस
ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो इनके लिए भी कचौड़ी बना देते हैं। चाय भी हमने रख दिया है क्योंकि सुबह ना चाय पी करके ही निकल गए थे, तो जल्दी बना देते हैं। और हमसे कह रहे हैं कि दोपहर में हमको यही खिलाओगी क्या, तो हमने कहा नहीं भी, दोपहर में कुछ ना कुछ बनाएंगे। छत में खा रहे हैं कचौड़ी, हम सोच रहे थे उसी आटे की हम बनाएंगे रोटियाँ, लेकिन नीचे कोई आवाज़ कर रहा है। हमको लग रहा है ना वो सूट वाले जो भैया आते हैं ना, उलन के सूट लाते हैं, तो जा रहे हैं पहले नीचे देख लेते हैं। और हमको भी ना इतनी तेज़ भूख लगी थी, लेकिन अब खाना नहीं खाएंगे। किचन भी हमने क्लीन कर दिया है और सब आटा हमने ढक करके रख दिया है, बाद में ही रोटियां बनाएंगे। एक हमारी फ्रेंड है ना, गई थी वहाँ श्री साईं बाबा, तो वहाँ का प्रसाद रखा था, तो बस यही खा लेते हैं। प्रसाद हम कहीं का नहीं छोड़ते हैं और ना इधर उधर रखते हैं, जहाँ का भी प्रसाद होगा ना सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर प्रसाद देता है ना तो उसको मत्थे से लगा करके और खा लेना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। अगर आप नहीं खा पाते हो ना तो प्रसाद ही ना लो। तो चलते हैं शाल स्वेटर देख। ये हमारे भैया जी ना कश्मीर से लाते हैं और ठंडी में लेकर के आते थे, लेकिन हम लोग बोलते थे कि अभी नहीं लेंगे, तो अब बोल रहे हैं कि दीदी हम चले जाएंगे, आप लोग ले लो, क्योंकि अब ठंडी की हो रही विदाई, गर्मी आ रही है। तो यहाँ पर हमने 3-4 सूट के कपड़े ले लिया है। और कॉलोनी में ना जब हम सब लोग मतलब लग जाते हैं और कहते हैं नहीं भैया इतने का दीजिए, इतने का दीजिए, तो सही रेट पे लोग लगा भी देते हैं और हम लोग ले भी लेते हैं। और 3-4 लेने के बाद सिला करके रख लेते हैं, जैसे ही ठंडी की शुरुआत होती है वैसे हम लोगों का पहनना शुरू हो जाता है। एक आदत हमारे अंदर बहुत बुरी है, जैसे कि बाहर जाते हैं किसी को छू जाते हैं, जैसे कि सूट वाले भैया हैं, तो ऐसे लगता है तुरंत नहा करके कपड़े चेंज करते। अगर नहीं ऐसा करते ना तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो नहा तो लिए लेकिन ठंडी लग रही थी, तो हमने जैकेट भी डाल लिया। और मनु के बालों में ना इतनी रूसी है, तो हम बोल रहे हैं बेटा धूप में बैठ जाओ, लेकिन कह रहे हैं नहीं माँ हम यही स्कूल का काम भी कर रहे हैं, तो इनके सर में लगा देते हैं गरी का तेल और रूसी भी निकाल देते हैं। शाम के कुछ नाश्ते मंगाते हैं। जय माता दी। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और गाइस देखिए, आज जब हमारी यूट्यूब पेमेंट आई थी तो उन्होंने नहीं, लेकिन पापा जी से हमने बात किया तो उन्होंने हमको 200 रुपीस दी एंड 300। तो बेटा आप ही लोगों ने कहा कि माँ आपकी तो माँ भगवती के भंडारे में जाएगी, हम पापा जी से लेंगे, लेकिन आप लोगों ने मंगवा ही लिया। टाइम कितना हो रहा है? 8:30 बज रहे हैं। और एक मार्गेटिया और एक पास्ता पिज्जा। गाइस आप लोग भी आइए हमारी पिज्जा पार्टी में, आइए तो खोलिए तभी तो खाएंगे। आराम से आराम से। अरे वाह कृष्णा, क्यों आप लोगों को इतना पिज्जा क्यों पसंद है? फेवरेट है। पिज्जा मत खाया करो, ठीक है बेटा? अब 1 महीना नहीं मंगाना, ठीक? ठीक मनु, पक्की प्रॉमिस करिए। न्यू ईयर में भी यही बोला था। न्यू ईयर में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ पिज्जा खाए हुए, ठीक है? आप प्रॉमिस करिए कि अब नहीं खाएंगे। पक्का नहीं है, जाम हो जाता मुझे तो कोई फ्री को भी देना तब भी मैं खाने वाली नहीं हूँ। इसको देखने से ही हमारा मतलब अजीब सा हो रहा है, देखने से ही पता नहीं तुम लोग कैसे खा लेते हो। तो यार हम लोग जब आप पेट में थे तब तो हमने कभी नहीं खाया, क्यों कृष्णा? फिर तुम लोग क्यों खाते हो? आजकल के बच्चे ना बिल्कुल कंप्यूटर हैं। अगर खाना होता ना तब ना आप खिलाते, ठीक है? खिलाते? अच्छा अच्छा खिलाते। किसी दिन बुला लो गाइज लोगों को, अपनी मौसी, अपने मामा, अपने भैया लोगों को, और पिज्जा पार्टी करो ऐसे पापा जी से पैसे मांग करके। वो भी ना आप भी खाइए, टेस्टी है। ऐसे खा रहे हो तुम लोग जैसे हम लोग बचपन में ना हमारी नानी रबड़ी औरती थी, हम लोग रबड़ी खाते थे, ऐसे तुम लोग पिज्जा खा रहे। छी, हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको तो रबड़ी। मनु रबड़ी कभी खाए हो? क्यों ए मनु रबड़ी कभी खाया है? नहीं। रबड़ी बहुत टेस्टी होती, हमारी नानी बनाती थी रबड़ी, रसमलाई वाली रबड़ी। गुड नाइट गाइस, अब मिलते हैं मॉर्निंग में। बाय बाय।
बच्चों ने तो गुड नाइट आप लोगों से बोल ही दिया, और अभी हमारी किचन की क्या हालत है, तो हमने शाम को ना दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाए थे, तो जल्दी हम किचन भी क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद धुल लेते हैं बर्तन। और कल के ब्लॉग में आप लोगों से बताए थे ना कि भैया भाभी प्रयागराज में आए हुए हैं, तो दीदी के फ़ोन, भैया भाभी के फ़ोन इतने आ रहे हैं कि कल है पूर्णिमा, सुबह सब लोगों को लेकर के आ जाओ, कल है यहाँ पर भंडारा। तो हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं।